अपने लैपटॉप के ब्राउजर में digitalseva.csc.gov.in वेबसाइट में लॉगिन करें, अपना यूजर पासवर्ड दर्ज करें और सबमिट करें। डैशबोर्ड में ऊपर सर्च बार में लोन बाजार सर्च करें, मेनू बार में डिपॉजिट के ऑप्शन में बजाज पर क्लिक करें और फिक्स डिपॉजिट पर क्लिक करें। डिटेल्स में आधार कार्ड के मुताबिक अपना नाम, रेगुलर मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड का नंबर दर्ज करें और सबमिट कर दें। बुक ए केस पर क्लिक करें, इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करें। नीचे एफडी एनुअल इंटरेस्ट चार्ट देखने को मिलेगा, जिसमें नॉन सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन को स्पेशल पीरियड और रेगुलर पीरियड में कैटेगराइज किया गया है, जिसके मुताबिक कस्टमर को एफडी की डिटेल्स हम बता सकते हैं। अब इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करें, कस्टमर का मोबाइल नंबर दर्ज करें और सबमिट की बटन पर क्लिक कर दें। कंटिन्यू जर्नी पर क्लिक करें। यहां पर आप देख सकते हो मिनिमम डिपॉजिट 15,000 रुपए है और मैक्सिमम 5 करोड़ तक की एफडी हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां पर 15,000 रहने देते हैं। साइड में आप एफडी की अवधि देख सकते हो। हम कस्टम पर क्लिक करके मैनुअल मंथ भी लिख सकते हैं। हम यहां पर 12 महीने लिख रहे हैं। आप नीचे देख सकते हो यहां पर 7.4% इंटरेस्ट रेट दिखा रहा है। यहां पर 15,000 इन्वेस्ट करने पर 12 महीने में मैच्योरिटी अमाउंट कितने मिलेगी वह भी देख सकते हैं। ऊपर मंथ चेंज करके भी देख सकते हैं, तो यहां पर मैच्योरिटी अमाउंट भी चेंज होगी। अब नीचे कस्टमर केवाईसी वेरिफिकेशन में कस्टमर का पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिखकर इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करें। यहां पर अपलोड कस्टमर डॉक्यूमेंट में योरसेल्फ पर क्लिक करें, जिसमें कस्टमर का कलर पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें, पैन कार्ड अपलोड करें। नीचे पैन कार्ड नंबर लिखा ना हो तो लिख दे। कस्टमर का आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड अपलोड करें। कस्टमर का आधार कार्ड नंबर लिखें और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। कस्टमर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखें। कस्टमर की ईमेल आईडी लिखें। कस्टमर का जेंडर सिलेक्ट करें। एडिशनल डिटेल में कस्टमर का व्यवसाय सिलेक्ट करें। कस्टमर की वैवाहिक स्थिति सिलेक्ट करें। कस्टमर की एनुअल इनकम सिलेक्ट करें। फैमिली डिटेल के ऑप्शन में जिनकी डिटेल फिल करनी है उनका रिलेशन सिलेक्ट करें और साइड में उनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दर्ज करें। परमानेंट एड्रेस यहां पर दर्ज करें। पिन कोड लिखें, जिससे सिटी और स्टेट अपने आप आ जाएगा। परमानेंट एड्रेस ही कट एड्रेस है तो यस ही रहने दे। अगर कट एड्रेस अलग है तो नो पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। प्रोसेस पर क्लिक करें, स्किप एंड प्रोसेस पर क्लिक करें। बैंक डिटेल में कस्टमर की बैंक की डिटेल, जिसमें बैंक अकाउंट के मुताबिक कस्टमर का नाम, बैंक आईएफएससी कोड और बैंक का अकाउंट नंबर दर्ज करें और कंफर्म पर क्लिक करें। डिक्लेरेशन को सही से पढ़ें और प्रोसेस पर क्लिक करें। अब एफडी की अमाउंट हमें ऑनलाइन पे करनी है तो हम यहां पर नेट बैंकिंग, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, इम्स और चेक, इन सभी माध्यम से कर सकते हैं। तो कोई भी एक माध्यम सिलेक्ट करें और प्रोसीड बटन पर क्लिक करें, जिससे हमारा लास्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। एफडी का सर्टिफिकेट ग्राहक के घर पोस्ट या कुरियर द्वारा पहुंच जाएगा। अगर बजाज एफडी में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप पहले अपने सीएससी जिला मैनेजर का संपर्क करें, और आप बजाज की टीम की हेल्प लेना चाहते हैं तो लोन बाजार के होम पेज पर जाएं। वहां पर सपोर्ट के ऑप्शन में बजाज एफडी सिलेक्ट करें, अपना स्टेट और सिटी सिलेक्ट करें। आपको बजाज के ऑफिशियल नंबर मिल जाएंगे, जिसमें आप कांटेक्ट करके मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।